पवित्र स्थान तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर दिया मनमोह शिवालिक दिया पहाड़ियां ते सुशोभित है। सचखंड श्री खुरानगढ़ साहब विखे श्री गुरु रविदास जी महाराज लुकाई दा उधार करन लई 4 साल 2 महीने 11 दिन रहे। श्री गुरु रविदास जी दुनिया दे उधार लई सचखंड खुरानगढ़ साहब विखे रह रहे सन ते हमेशा प्रभु दी बंदगी च लीन रहिंदे सन। इह इलाका गुरु जी दी कृपा नाल खुशहाल होण लगा। गुरु जी की अपार कृपा नाल बह रहे झरने ते सरोवर च संगत इशनान करके अपना जीवन सफला करती है। संगतां दी सहूलत ले लंगर निरंतर चलता है जिथे देश विदेश तो श्रद्धालु अपना वध तो वध योगदान पाते रहते हैं। देश विदेश तो इत्थे हर रोज संगत नतमस्तक हो के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करती है। इत्थे सरोवर ते इमारत दा निर्माण शुरू है जिस लई देश विदेश की संगत अपना योगदान ते सेवा कर रही है। सारा दिन इत्थे श्री गुरु रविदास जी की महिमा दे गुणगान हुंदे हन। गुरु घर की कमेटी के मुख काम हैं समाज विच फैलियां बुराइयां दूर करना, खूनदान कैंप, अखां दे कैंप लगाउणे आदि हन। इत्थे मेडिकल कॉलेज ते तकनीकी कॉलेज खोलण दा विचार है। इस दे नाल ही सब धर्मां दा सत्कार करदे होए श्री गुरु रविदास महाराज दे मिशन बेगमपुरा नूं घर घर पहुंचाउणा है। गुरु घर बारे ताजा जानकारी लई महीनावार पेपर आ धर्म पत्रिका भी शुरू कीता गया है। जो बोले सो नरभय। श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। आज से प्रगट पया पया ना जाको अंत। सत आदि धर्म रविदास का विरला जाने संत। तीन लोक से भिन्न है परम पुरख का वास। जहाँ किसी का गम नहीं तहाँ रहे रविदास। इको सोहं सतनाम जियो सतनाम सतनाम जियो। सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संग जियो। आप संगता दे नाल अज दा जो विचार है सतगुरु रविदास महाराज दे इतिहास नाल संबंधित आप जी दे नाल दो विचारां सांझे कर रहे हाँ। गुरु पातशाह दे समय ते एक बादशाह होए ने जिन्हां दा नाम सिकंदर लोधी है। गुरु प्यारे सतसंग जी इतिहास गवाही देंदा है कि जदों सिकंदर लोधी दा राज दिल्ली दे विच कायम हो गया तो उसने हर पासे अत मचा रखी है कि अपने राज दे जोर नाल लोगां नूं मुसलमान धर्म दे विच तब्दील कर रहा है। तो ये आवाज़ हौली हौली बनारस दे विच पहुंची है। सिकंदर लोधी दे अनुयायी उन्हां दे प्रचारक जो बनारस दे विच सन उन्हां तों पुछया गया कि आप दे इलाके दे विच इस्लाम दा वधदा क्यों नहीं है, कारण की है। तो राजा सिकंदर लोधी नूं उन्होंने रिपोर्ट दिती है कि इत्थे एक महापुरश हन जिहड़े कि इस रास्ते दे विच वड्डा रोड़ा अटका रहे ने। तो गुरु प्यारे सतसंग जी सिकंदर लोधी अपने राज दा भ्रमण करदे होए बनारस विखे पहुँचे है तो उतों दे राजा नूं उतों दे वजीरां नूं उतों दे जिहड़े पैरोकार सन विद्वान सन सब नूं राज दरबार विच पहुँचण दे लई सद्दा दित्ता गया। तो गुरु प्यारे सतसंग जी सब संगतां उत्थे पहुँचियां, सारे विद्वान उत्थे पहुँचे है। तो सिकंदर लोधी ने सवाल किया कि इस्लाम धर्म क्यों नहीं फैल रहा। तो उन्होंने शिकायत की उस मौके दे जिहड़े विद्वान सन ब्राह्मण सन
उन्होंने भी इस मौके का फायदा लेना चाहिया कि साढ़े इलाके दे विच एक रविदास ना दे महापुरश हैं जिहड़े कि ना हिंदू धर्म नूं वधण दिंदे है और ना ही इस्लाम धर्म नूं फैलाउण दिंदे है। तो इस संबंध में सिकंदर लोधी ने अपने अहलकार भेज कर सतगुरु रविदास महाराज नूं दरबार दे विच बुलाया और गुरु रविदास महाराज जी समय दित्ते अनुसार कचहरी लगी हुई है तो दरबार दे विच पहुँचते है। समूह विद्वाना ने उस मौके दे राजे ने उठ के सतगुरु रविदास महाराज नूं नमस्कार कीती, सत्कार कीता, स्वागत कीता है। राजा सिकंदर लोधी अपने तख्त पर बैठा है तो सतगुरु रविदास महाराज जी जदों दरबार दे विच अपना कदम रखण लगे है तो उन्होंने सवाल कर दिता है कि अरे भाई आप कौन हो। तो सिकंदर लोधी उन्हां दी आवाज़ नूं सुन के घबरा गया तो उस मौके सिकंदर लोधी कह रहा कि महाराज आप नूं नहीं पता कि मैं इस देश का बादशाह हाँ, मैं राजा हाँ, मेरा नाम सिकंदर लोधी है। तो सतगुरु रविदास महाराज ने फिर सवाल खड़ा कर दिता है, अच्छा तुसी इस मुल्क दे राजा हो, फिर तुहाडे तो पहला भी कोई राजा होवेगा। हाँ महाराज, साढ़े तो पहला भी राजा सी, वो मेरा पिता, मेरा बाप बहलोल लोधी इस देश का राज करता सी। आप तो पहले आपका पिता बहलोल लोधी राज करता सी, हुण तुसी कर रहे हो और तुहाडे जाण तो बाद फिर कौन राज करेगा। ये सतगुरु रविदास महाराज ने सवाल खड़ा किया है तो सिकंदर लोधी जवाब दिंदा कि साढ़े जाण तो बाद मेरा लड़का, मेरा पुत्र इब्राहिम लोधी इस देश का राजा बनेगा। तो गुरु प्यारे सत्संग जी सतगुरु रविदास महाराज ने फिर पूछ लिया कि इब्राहिम लोधी तो बाद कौन राज करेगा। तिथे सिकंदर लोधी जड़ा वो लाजवाब हो गया, उसनों कोई उत्तर नहीं आया क्योंकि इब्राहिम लोधी अजे जवान से, उसकी शादी नहीं सी हुई, इस करके उन्हें अगली गल का कोई पता नहीं चलिया कि हुण मैं की जवाब देना। लाजवाब हो गया तो सिकंदर लोधी ने परख कर ली क्योंकि इस्लाम का बहुत बड़ा विद्वान भी सी, परख कर ली कि महापुरश पहुँचे हुए है, क्यों ना इन्हों इस्लाम दे विच ले आईए तो साडा जिहड़ा धर्म है वह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, असी पूरे संसार ते राज कर सकते हैं। सिकंदर लोधी ने सतगुरु रविदास महाराज नूं आख दिता है कि महाराज तुसी इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लो। तो सतगुरु रविदास महाराज जी बड़े निम्रता दे नाल हसकर मुस्कुरा के जवाब देंदे है कि ठीक है भाई, असी इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लैंदे हैं, पहले साडे गल का जवाब देना होएगा। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि दसो महाराज थोड़ा सवाल की है। कहिंदे मन लो कि असी इस्लाम धर्म दे विच प्रवेश कर गए, जो असी इस्लाम धर्म नूं प्रवेश कर लिया, मन लिया, उन्हों कबूल कर लिया, फिर सानू तेरा धर्म इस्लाम धर्म मौत तो बचा लेगा, फिर सानू मौत नहीं आएगी। सिकंदर लोधी कहा कि ये तो अटल सच्चाई है, मौत तो हर एक नू आएगी, इस तो कोई भी बचा नहीं सकता। तो फिर सतगुरु ने कहा कि जे तेरा धर्म सानू मौत तो नहीं बचा सकता, फिर जेड़ा विचार ऐसी लेके आए हैं उस दे विच ही क्यों नहीं असी अपने जीवन नू बतीत कर दे। तो सतगुरु रविदास महाराज नू सिकंदर लोधी पुछदा तुहाडा विचार की है। कहिंदे असी तो सिर्फ इंसानियत नू जानदे हाँ, असी किसी धर्म को नहीं जानते। धर्म का अर्थ जो है वो आज़ादी है, धर्म का अर्थ स्वतंत्रता है, धर्म का अर्थ बराबरी है, धर्म का अर्थ भ्रातरी भाव है। इसलिए गुरु पातशाह ने अपनी बाणी दे विच दस्या कि इंसान सिर्फ इंसान है, इंसान की कोई जात नहीं, इंसान पंज तत्त का पूतला है। सतगुरु ने बाणी दे विच फरमान किया है, जल की भेत पवन का थंबा,
रक्त बूंद का गारा हार्ड मास नाड़ी को पिंजर पांखी वसे बेचारा। ये पंज तत्त का शरीर है, एक दिन इसने नष्ट होना ही होना है। जो भी इस दुनिया ते उपजा है वो एक दिन विंडसना ही है। तो गुरु प्यारे सत्संग सतगुरु रविदास महाराज बाणी दे विच दृष्टांत देकर समझा रहे हैं सिकंदर लोधी नूं, जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कोच रहन थिर नाही, संग चलत है हम पे चलना, दूर गवन सिर उपर मरना। ये सच है भाई, इस सच नूं कोई नकार नहीं सकता। तो गुरु प्यारे सत्संग उस वेले सतगुरु रविदास महाराज ने सिकंदर लोधी नूं जवाब दिता और बाणी दे राही समझाया कि इंसान इस धरती ते आ के राज भाग दा मालक हो के अपने आप नूं भुल बैठदा है, प्रभु नूं भुल बैठदा, परमेश्वर नूं अल्लाह नूं खुदा नूं भुल बैठदा। वो मैं मेरी दे चक्कर दे विच फस जांदा है, उस नूं मन दे विच हंकार आ जांदा है, फिर वो हंकारिया होया कतलो गार्द करदा, जिहड़ा तुसीं ये जीव दे उत्ते अत्याचार कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, तशद्दुद कर रहे हो, ये धर्म नहीं सिखाउंदा। क्योंकि बाणी दे विच भी महापुरशां ने व्याख्यान किया है, धर्म नहीं सिखाउंदा किसी दे नाल वैर करना। आप तो वैर कर रहे हो, आप तो दुनिया के उत्ते जुल्म तशद्दुद कर रहे हो, पाप कमा रहे हो, इसलिए ये धर्म नहीं सिखाउंदा। वो प्रभु परमेश्वर अल्लाह की रजा विच जो रहिंदा है उसके उत्ते वो कृपा करता है, उसके उत्ते वो दया दृष्टि करता है, वो निम्रता सिखाउंदा है, वो मिठास सिखाउंदा है। वो प्रभु परमेश्वर राज प्रबंध नूं भी ठीक ढंग दे नाल चलाउण दा मार्गदर्शन करता है। वो कैसा राज बनाउणा चाहुंदा है, सतगुरां ने बाणी दे विच ये फरमान किया है कि राज जे होवे ते साडे पसंद दा होवे, ते तुहाडी पसंद की है। ते गुरु पातशाह ने बाणी दे राही उसका नक्शा एक खिंच के दिता है। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं तैठाओ, ना तस्वीस खराज न माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मोहे खूब बतन गा पाई, ओहां खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम एक सो आही, अबादान सदा बसहोर, उहां गनी बसे मामोर, त्यों त्यों सैल करे जो पहावे, महरम महलना को अटकावे, कहर अवदास खलास चमारा, जो हम सहरे सो मीत हमारा। सतगुरु ने राज दा नक्शा खोल के रख दिता है। बेगमपुरा शहर को नाओ, जिथे किसी इंसान नू कोई डर ना होवे, भय ना होवे, बेगम बसदा रहे, उसनों किसी किस्म दे तरस ना होवे। तो गुरु पातशाह ने आख्या कि इस तरह का राज चाहिए, जिथे ऊंच नीच ना होवे, जात पात ना होवे, धर्म के नाँ के उत्ते कतलो गारद ना की जाए, सारे बराबर समझे जान, सबनों जीवन का अधिकार मिले। गुरु पातशाह ने बाणी दे राही फरमान किया, ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे तो फिर खुश रहे हैं। हर एक पातशाही मिले, पातशाही का मतलब ये नहीं कि हर एक राज ताकत मिल जाएगा, पातशाही का मतलब है हर एक मान सम्मान मिले। पातशाही की गल की सतगुरु रविदास महाराज जी ने कि हर एक पातशाही मिलने चाहिए, हर एक का इज्जत मान होना चाहिए, हर एक का सत्कार होना चाहिए, हर एक खाण वास्ते चंगी रोटी मिलनी चाहिए, पहनने वास्ते कपड़ा मिलना चाहिए, रहन वास्ते वधिया मकान भी उहदे लई होना चाहिए है। तो जे इस तरह का प्रबंध होए, जे बन जाए तो ये रविदास खुश है। तो गुरु प्यारी सत्संग सतगुरु रविदास महाराज ने सिकंदर लोधी दे मन की गल कह दिती, और सिकंदर लोधी सतगुरु रविदास महाराज की विचारधारा का कायल हो गया। तो उन्होंने अपने दरबार दे विच सतगुरु रविदास महाराज नूं दिल्ली विखे बुलावा दिता, और दिल्ली विखे बुलावा दिता ग्रह प्रवेश करने दे लई। तो गुरु पातशाह दिल्ली तुगलकाबाद विखे पहुँचे। तो गुरु प्यारे सत्संग इतिहास गवाही दिंदा है, जे इतिहास बोलता है
बुलाउण वाला चाहिदा है। भावें इतिहास के नाल बड़ा खिलवाड़ किया गया पर सच जिहड़ा है वह कदे छुपदा नहीं है। तो गुरु प्यारे सतसंग जी तुगलकाबाद विखे गुरु पातशाह नूं बुलाया गया। तीन दिन तीन रातां निरंतर गुरु पातशाह का उत्थे सत्संग चलिया और संगतां ने उस सत्संग का लाहा लिया, गुरु पातशाह तो नामदान भी प्राप्त किया और सिकंदर लोधी खुद सतगुरु रविदास मर का सेवक बनया और गुरु दक्षिणा दे लई उस मौके पर गुरु प्यारे सतसंग जी सिकंदर लोधी ने 700 कनाल जमीन गुरु पातशाह नूं दान की। इस स्थान पर तुसी एक बड़ी ब्रह्म ज्ञान उपदेश करन दी यूनिवर्सिटी बनाओ, जिन्हों आप कॉलेज भी कह सकते, स्कूल भी कह सकते हैं, जिथे अध्यात्मक ते राजनीतिक आर्थिक समाजिक उपदेश दिते जान। इत्थे तुसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाओ जिथों तुसी हर पासे तो उपदेश कर सको और जिहड़ा सतगुरु रविदास मारो 700 कनाल जमीन गुरु दक्षिणा दे विच सिकंदर लोधी ने दान कीते सी उत्थे एक मंदिर भी संगतां वल्लों बनाया गया। उस मंदिर दा इतिहास दस दे कि 1954 दे विच ओह मंदिर बनिया। तो इन्हां शब्दां दे नाल आप संगतां दा कोटन कोटन धन्नवाद। जय गुरदेव, धन गुरदेव। ऑल इंडिया आत्म मिशन भारत ने उस मुहिम नूं होर अगे वधाउंदे होए श्री गुरु रविदास जी दे उह सारे पवित्र स्थान जिथे गुरु जी अपने जीवन काल विच दुनिया नूं तारन लई गए सन उन्हां अस्थानां दी खोज करके उत्थे उत्थे इतिहासक धार्मिक अस्थानां दी उसारी करवाउण अधीन पिछले दिन एक वस्त वड्डी धार्मिक शोभा यात्रा लै के तमिलनाडु दी धरती लैंड ऑफ अलोरा गया। जिस की अगवाई संत सतविंदर हीरा ने की, जिथे गुरु जी का स्वरूप स्थापित किया गया। अते एक विशाल मंदिर बनाना आरंभ किया गया है। संत सतविंदर हीरा का कहना है कि आत्म मिशन नाल जुड़े हुए बुद्धिजीवी इतिहासकार अजिहे स्थानां दी खोज कर रहे हैं। गुरु प्यारी गुरु सवारी सतसंग जीओ समूह ऑल इंडिया धर्म मिशन श्री गुरु रविदास इतिहासिक धर्म स्थान चरण छो गंगा अमृतकुंड सचखंड साहब की कमेटी वालों सारिया संगतान नू निम्रता सहित बेनती की जाती है कि गुरु घर दे विच कार सेवा आरंभ है। तो सारिया संगतान नू बेनती है कि जिन्नी भी गुरु पातशाह ने आप जी ने समर्था बख्शिश की है उसनों मुख रख के अपने परिवार की परवरिश करते हुए बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखते हुए जे आप जी के पास सतगुरु रविदास महाराज की कृपा है तो उस विचों कुछ ना कुछ दसाऊ कढ के गुरु पातशाह दे कार सेवा दे विच योगदान पा के सतगुरु रविदास महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करो, अपने जन्म सफल करो जी। पाथड़ी तो गुरु घर लई मुफ्त गड्डी सेवा। संगत दी सहूलत लई श्री चरण छो गंगा लई मुफ्त गड्डी दी सेवा शुरू कीती गई है, जिस तो संगतां फायदा लै सकदियां हन अते गुरु घर दे दर्शन कर सकदियां हन। ए प्रोग्राम तुहानू किस तरह दा लगा तुसी अपनी राय इन्हां नंबरां ते दिओ। साडे नंबर हन 9851 2630, 8727 5257, 97796 2788।